7 डेज ग्लास स्किन चैलेंज। यस फ्रेंड, अगर इस फेस पैक को आप लगातार 7 दिनों तक लगाते हैं तो आपका चेहरा बिल्कुल इसी तरीके से चमकने वाला है। आपके स्किन से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। आपको घर बैठे ग्लास स्किन अचीव होने वाला है, जिसे देख करके आप काफ़ी हैप्पी होने वाली हैं। इस फेस पैक का इस्तेमाल आपको लगातार 7 दिन करना है और अपने चेहरे को चमकदार, अपने चेहरे को ब्राइटन, टाइटन और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। मैं यहाँ अपने स्किन को बिल्कुल एक्सप्लोर कर रही हूँ विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनी एक्स्ट्रा लाइट, एंड यू कैन सी द रिजल्ट। तो चलिए बात करते हैं। इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है ग्राम फ्लोर 1 चम्मच भर करके, यानी बेसन। बेसन को आप 1 चम्मच भर करके ले लेंगे। एक साफ बाउल में आपको लेना है। आप सबको पता है कि बेसन में क्लींजिंग प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं। वो हमारे चेहरे से डर्ट पॉल्यूटन को क्लीन करता है और हमारे स्किन को टाइटन करता है, ब्राइटन करता है। साथ ही हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं टोमेटो। यस फ्रेंड, टोमेटो आपको हाफ कट कर लेना है। टोमेटो हमारे स्किन से टैन को रिमूव करता है, हमारे स्किन से डर्ट पॉल्यूटन को रिमूव करता है, यंगर बनाता है, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। साथ ही अगर आपके चेहरा समय से पहले आपके त्वचा बूढ़ी हो रही है, रिंकल्स, पिगमेंटेशन आपके चेहरे पे आ रहे हैं, आपके स्किन पे जगह जगह पे झुर्रियाँ आ रही हैं, चेहरा लटक चुका है, तो इससे ये टाइटन करता है, ब्राइटन करता है, स्किन पे हो रहे हैं छोटे छोटे दाग धब्बे भी हटाता है। आपके स्किन में एक बार ही टोमेटो के वॉश करने से आप अगर टोमेटो रब करते हैं अपने स्किन पर तो वो रिज़ल्ट तुरंत दिखने लगेगा, चेहरा क्लीन हो जाएगा, लगेगा कि आप फेशियल करा करके आए हैं। तो ये नेचुरल जो कहते हैं ना ब्लीच का काम करता है चेहरे पे, ये उस तरीके के ब्लीच को नहीं बोल सकते हैं, आपकी स्किन को ये क्लीनिंग का काम करता है। तो यहाँ पे हाफ टोमेटो पल्प को मैंने लिया है, जूस को लिया है, और हम इन दोनों को कर लेंगे मिक्स। ये दोनों हमारे स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके चेहरे पर किसी तरीके के प्रॉब्लम हो रहे हैं, अगर इन दोनों का आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपके चेहरे से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ग्लास स्किन ईजिली अचीव हो जाती है। हम जब कोरियन या जापानीज को देखते हैं तो हमारे मन में यही आता है कि काश हमारी स्किन भी ऐसी होती। तो आप ईजिली घर बैठे से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने चेहरे के लिए। तो क्वांटिटी ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, अगर आपका एरिया बड़ा है, अगर आप और कहीं भी लगाना चाहे तो। यहाँ पे आपको लेना है पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी, वाइल्ड हल्दी। यहाँ पे आप घर की हल्दी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करिएगा। मैं जितनी भी रेमेडी बताती हूँ उसमें ये ज़रूर मेंशन करती हूँ कि आपको यहाँ पे वाइल्ड हल्दी यानी कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल करना है। इसमें केमिकल नहीं होते हैं, रंग नहीं छोड़ता है चेहरे पे, साथ ही आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा ब्राइटन बनाता है। हमारा फेस पैक बनके तैयार हो चुका है, ग्लास स्किन फेस पैक। यस फ्रेंड, इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट नहीं है। ये आपके चेहरे को ईजली जो कहते हैं ना ब्राइटन करता है, टोन अप करता है। तो आपको इसे अच्छी तरीके से कर लेना है मिक्स, एंड मिक्स करने के बाद आपको अपने क्लीन फेस में इसका एप्लीकेशन कर लेना है। तो अपने स्किन को क्लीन करने के लिए आप यहाँ कच्चा दूध का इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे अपने स्किन पे अप्लाई कर लिया है और आप देख सकती हैं 15 मिनट के बाद मेरे स्किन बिल्कुल जो कहते हैं ना मेरी स्किन से फेस पैक बिल्कुल सूख चुका है। आपको सारे एरिया में इसे अप्लाई कर लेना है। 15 से 20 मिनट के बाद मैं इसे हटा के आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने कोई फिल्टर नहीं, कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं यूज़ किया है, एंड यू कैन सी द रिज़ल्ट। मेरी स्किन जस्ट शाइन कर रही है, बिल्कुल ग्लास स्किन की तरह। ग्लास स्किन का मतलब ही होता है ऐसी त्वचा, ऐसी स्किन जो रिफ्लेक्ट करने लाइट पड़ने पे, ऐसी त्वचा, ऐसी स्किन जिसे देख करके बस लगे कि बस मुझे ऐसी स्किन चाहिए, ऐसी त्वचा जिसमें शार्प, जो बहुत ज़्यादा शार्प हो, ब्राइटन हो। तो यहाँ पे मैंने अपने स्किन को क्लीन करने के बाद आपके सामने बिना ही फिल्टर के, बिना एक्स्ट्रा लाइट के एक्सप्लोर कर रही हूँ, एंड यू कैन सी द रिज़ल्ट। मैंने अपने स्किन को वॉश आउट किया है और आपके सामने दिखा रही हूँ बिना किसी भी कुछ भी लगाए अपने चेहरे से। ये मेरी रियल स्किन है, एंड मे बी इतना कैमरा में नहीं हो रहा है जितना रियल मैं खुद जो कहते हैं ना मैं खुद जो फील कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ जो क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम मैंने बता रखा है आपको, आपने नहीं देखा तो जाके फटाफट से देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी एंटी एजिंग क्रीम का, DIY एंटी एजिंग क्रीम। तो आपको इसे लगा लेना है, 2-3 मिनट का मसाज ले लेना है और अपनी स्किन को टोन अप कर लेना है। सो आई होप यू गाइज कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि आप कैसे घर बैठे ग्लास स्किन अचीव कर सकते हैं। तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। इन सारी वीडियोज़ में अगर आपको कुछ भी गेन हो रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है। एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए और अपने स्किन का तो बिल्कुल ख्याल रखें, और इस DIY क्रीम को ज़रूर प्रिपेयर करें। हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर।